हैं। अशोक चौधरी ने कहा है कि आरजेडी को फिलहाल जेडीयू बीजेपी नहीं बल्कि महागठबंधन की चिंता करनी चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी अब जेडीयू से नहीं कभी मिलेगी। नीतीश जी की कोई ताकत नहीं है, और आप बताइए कि महागठबंधन से भागा कौन था? महागठबंधन से भागा कौन? नीतीश कुमार जी भागे। नीतीश कुमार जी के पास आप अपनी कोई ताकत नहीं है, इसका एहसास उनको भी है, हमको भी है। और जिस प्रकार से अभी जो भी हो रहा है, नहीं हो रहा है एनडीए में, अब कहने को तो निजी राय आप मानते हैं, रघुवंश जी की निजी राय है ये? कोई सवाल ही नीतीश कुमार जी के बात को लेकर के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे चाचा से कोई भविष्यवाणी, मेरे भविष्य में कोई संबंध नहीं होता, कोई सवाल ही नहीं पैदा है। और हम तो खास तौर पे बीजेपी के लोगों को सलाह देंगे कि आज तक आपके पार्टी को बिहार में जो है किसी को चेहरा नहीं बनने दिया, आपको पिछलग्गू बना करके रखा, और इन्होंने तो उनको भी धोखा दिया, हमको भी धोखा दिया। जी के ऊपर जो क्लेम लगे थे, जो ब्लेम लगा था, उसको नीतीश कुमार हैंडल करने में असहज थे, इसलिए छोड़ दिए थे। तो आज आपके पास जाने के लिए कौन परेशान है, कौन अर्जी लगा रहा है जो आप बार बार ये बात बोलते हैं? ये तो आप पूरी तरह से पिट गए हैं, पूरी तरह से पॉलिटिकली आप पिट गए हैं, और आपके पास कोई आधार नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को एक सुबह उठते हैं और शाम तक खाली ट्वीट करते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ में। आपकी अपनी उपलब्धि क्या है? जेडीयू और पूरा महागठबंधन को नीतीश कुमार का फोबिया हो गया है, बीजेपी और जेडीयू में पट नहीं रहा है, बीजेपी जेडीयू में ठीक नहीं। अरे भाई आप अपनी चिंता करिए ना, जीतन राम मांझी आप ही के खिलाफ में बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आप ही के खिलाफ, आप अपना कुनबा से पहले संभालिए। अभी बिहार विधान